ये वीडियो सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इस्लामाबाद में है इससे रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से बीएस प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं, उनकी ट्यूशन फ़ीस क्या है, हॉस्टल फ़ीस क्या है, इसके अलावा उन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स और उनके फ़ीस स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। ऊपर मेंशन है बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बीएस साइबर सिक्योरिटी। इन सब की एडमिशन फ़ीस एक दफ़ा देनी होगी 18,000। सिक्योरिटी फ़ीस एक दफ़ा देनी होगी, रिफंडेबल है, यानी कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको वापस मिल जाएगी 10,000 रुपीज़। और सेमेस्टर फ़ीस इनकी 96,000 रुपीज़ है। तो आपको एडमिशन के वक्त फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट देनी होगी वो 1,24,000 होगी और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ 96,000 रुपीज़ देने होंगे। देन यहाँ पर जो हमारे पास प्रोग्राम्स लिखे हुए इनकी भी एडमिशन फ़ीस 18,000 है, सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 है, सिर्फ जो ट्यूशन फ़ीस है उसमें वेरिएशंस हैं। तो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वही 96,000 है और फिर फर्स्ट ईयर में आपको सब मिला के 1,24,000 देनी होगी। बीबीए के लिए सेकेंड सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स आपको 84,000 देने होंगे और फर्स्ट ईयर में 1,12,000। और फिर यही फ़ीस आपकी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी है और बीएस बिजनेस एनालिटिक्स की भी है। उसके बाद बीएस इंग्लिश है हमारे पास और बीएस मैथ्स है, इनकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 54,000 रुपीज़ है एंड देन आपको फर्स्ट ईयर में 82,000 रुपीज़ देने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास हॉस्टल की फ़ीस है। तो अगर आप शेयर्ड रूम लेते हैं तो मंथली आपको 16,500 रुपीज़ देने होंगे। हॉस्टल वाले जो सिक्योरिटी फ़ीस लेंगे रिफंडेबल, वो 10,000 रुपीज़ होगी मंथली। और सेमेस्टर हॉस्टल फ़ी मस्ट बी पेड विद इन 7 days ऑफ ड्यू डेट डायरेक्टली एक हॉस्टल। तो ये 16,500 और 10,000 मिला के 26,500 रुपीज़ बनेंगे। दैन लास्ट में हम इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपको 40% मार्क्स चाहिए अगर आप बीबीए में, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स में, मैथ्स या इंग्लिश में एडमिशन लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेते हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए इंटरमीडिएट या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी जैसे ए लेवल्स वगैरह होता है। और उसके बाद अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस में लेते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के चार्जेस चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी आपको मिल सकें।